नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स सेगमेंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी रोहिला। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में प्रमुख चिंता का विषय उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों का फॉर्म रहा है। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर के फेलियर की वजह से टीम जीता हुआ मैच हार गई थी। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचों की डोमेस्टिक T20 सीरीज में भी पाकिस्तान को 4-3 से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम की आलोचना कर चुके हैं कि उनका मानना था कि शोएब मलिक जैसे अनुभवी क्रिकेटर को मध्य क्रम में शामिल किया जाना चाहिए था। हालांकि अब इस मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के अध्यक्ष रमीज राजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और पाकिस्तान की टीम और चयनकर्ताओं का बचाव किया है। मलिक पिछले साल पाकिस्तान की T20 विश्व कप का हिस्सा थे और उन्होंने टीम के सेमीफाइनल तक पहुंचने में कई शानदार पारियां भी खेली थी। इसके बाद वो पिछले साल नवंबर में खेली गई बांग्लादेश सीरीज का भी हिस्सा थे, लेकिन इसके बाद से उनका टीम में चयन नहीं किया गया था। मध्य क्रम में कमजोरी देखने के बाद कई क्रिकेटर्स ने मलिक को लाइनअप में वापस लाने की मांग की, लेकिन चयनकर्ताओं ने इस पर कोई भी विचार नहीं किया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बात करते हुए रमीज राजा ने बताया कि पाकिस्तान ने पिछले साल मध्य क्रम में अनुभव जोड़कर प्रयोग किया था, उन्हें फिर से ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इस बार उनके पास सीमित विकल्प थे। PCB अपने टैलेंट पूल को बढ़ाने के लिए जूनियर लेवल पर बहुत काम कर रहा है, इसी वजह से नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। रमीज ने कहा, हम लोगों ने पिछले T20 में प्रयोग किया था, मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरी जो फिलॉसफी है ना क्रिकेट की और अच्छी टीम की, वो ये है कि एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, दूसरा कि आपको कप्तान को मजबूत करना चाहिए। हमारे बैच में कोई लियोनेल मेसी नहीं बैठा हुआ और हमें एकदम ही रद्दी प्लेयर्स को रखा है। हमारे विकल्प सीमित हैं, इसलिए ऑप्शन को बढ़ाने के लिए और टैलेंट पूल को बढ़ाने के लिए जूनियर लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। हो सकता है कि ये हिट और मिस है। टीम अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान की टीम अपने अभियान की शुरुआत भारत के खिलाफ 23 अक्टूबर को करेगी। पिछले T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी दोनों टीमें आमने सामने आई थी और पाकिस्तान ने उस मैच में भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। थैंक यू।